किसी भी दल को और राज्य के देश के किसी नागरिक प्रधानमंत्री से मांग करने का हक है और उसके तहत हम मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आपका जो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम प्रधान से तो मांग करने ही हैं। हाँ, उस समय उन्होंने सर्वसम्मत प्रस्ताव में समर्थन किया। आज अगर उस प्रस्ताव से वो असहमत, उनकी सहमति नहीं है, तो उनको कहना चाहिए कि हम इनकी मांग से सहमत नहीं है। जैसे हम राजनीतिक दल के रूप में मांग रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो अगर सहमत नहीं है तो एक राजनीतिक दल के रूप में वो ये कहें हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग से सहमत नहीं। अगर आप इंडिया को ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं तो जो पिछड़े राज्य हैं अगर उनको आगे नहीं किया जाएगा, उनको विकसित नहीं किया जाएगा, तो देश ट्रांसफॉर्म तो हो नहीं सकता है। विकसित राष्ट्र की कल्पना कर नहीं सकते। इसलिए हमारी मांग तो देश के प्रधानमंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री से, किसी राजनीतिक दल से नहीं। IVTV देखता है इंडिया। और आप देख रहे हैं IVTV। यूपी चुनाव ने JDU के अंदर की लड़ाई को पूरी तरह से पर्दाफाश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री RCP सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच अब कड़वाहट खुलकर सामने आ गया है। यूपी चुनाव को लेकर ललन सिंह ने BJP को फिर से आड़े हाथों लिया हुआ है, लेकिन BJP के बहाने ललन सिंह के निशाने पर RCP सिंह ज्यादा थे। उनकी कहीं बात हो रही है, वो तो कह रहे हैं कि हमारी बात हो रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पहली दफा नहीं है। इसके पहले भी वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो खुद मंत्री बन गए केंद्र में। इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जा की बात होती है तो उनका जो सुर होता है वो केंद्र सरकार की तरफ से होता है। तो तमाम चीजें ऐसी दिख रही है जिससे ये लग रहा है कि पार्टी वो जो चाहती है या पार्टी का जो लाइन है उसके साथ वो दिख रही है। इसका बेहतर उत्तर वो खुद दे सकते, क्योंकि वो बातचीत कर रहे थे। हम तो ये मानते हैं कि उनको जो ऑफर मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कितना ईमानदारी से वो ऑफर कर रहे थे, ये आकलन रामचंद्र बाबू को करना चाहिए। और हम समझते हैं कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति वही है जो इसका उत्तर दे सकते। लेकिन वो चुप्पी साधे, वो कुछ स्टेटमेंट दे नहीं रहे। आपको लगता है कि उनको बोलना चाहिए? हम आपको कह रहे हैं कि अगर ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो उसमें कहीं थे नहीं, तो इसका बेहतर उत्तर तो वो दे सकते हैं, हम तो उसके लिए सक्षम व्यक्ति नहीं। हाँ, हम लोगों को जो उन्होंने कहा उस पर हम लोगों ने भरोसा किया और उस पर भरोसा करके हम लोगों ने इंतजार किया। लेकिन भरोसा आप सिर्फ BJP की बात से क्यों कर रहे हैं? आप RCP सिंह पर क्या भरोसा कर रहे हैं? नहीं, हम लोगों को कोई सीधी बातचीत हो ही नहीं रही थी बीजेपी से। बीजेपी से जो भी बात कर रहे थे वो खुद कर रहे थे। और इसलिए बार बार इसके पहले भी हमने कहा कि श्री RCP सिंह साहब अधिकृत है उत्तर प्रदेश के लिए। उसका कारण यही था कि उन्होंने ये बताया कि उनको ऑफर BJP दे रही और उनकी बातचीत सकारात्मक हुई है, तो उस सकारात्मक बातचीत को आधार मान के हम लोग इंतजार करते रहे। विशेष राज्य के दर्जा की मांग का बिहार विधानमंडल में जब सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ था, उस समय बिहार के सभी दल ने उसका समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी। आज जो हम मांग कर रहे हैं वो हम देश के प्रधान से कर रहे हैं, और देश का प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी भी दल को और राज्य के देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री से मांग करने का हक और उसके तहत हम मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। लेकिन आपका तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम प्रधान से तो मांग कर नहीं रहे। हाँ, उस समय उन्होंने सर्वसम्मत प्रस्ताव में समर्थन किया था। आज अगर उस प्रस्ताव से वो असहमत है, उनकी सहमति नहीं है, तो उनको कहना चाहिए कि हम इनकी मांग से सहमत नहीं है। जैसे हम राजनीतिक दल के रूप में मांग रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो अगर सहमत नहीं है तो एक राजनीतिक दल के रूप में वो ये कहें कि हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग से सहमत नहीं है,
लेकिन वो तो अड़चन पैदा कर रहे हैं। हम अड़चन पैदा कर नहीं, जब बिहार विधानमंडल में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ था तब भी किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा था। तो ये तो सरकार को निर्णय लेना है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना है। कौन निर्णय लेगा? बंद किया था तो उसको फिर चालू कर सकते हैं। अगर आप इंडिया को ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हैं तो जो पिछड़े राज्य हैं अगर उनको आगे नहीं किया जाएगा, उनको विकसित नहीं किया जाएगा तो देश ट्रांसफॉर्म तो हो नहीं सकता है, विकसित राष्ट्र की कल्पना आप कर नहीं सकते। तो इसलिए हमारी मांग तो देश के प्रधानमंत्री से है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हम अपना सकारात्मक, नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 साल के शासन में जो एक मॉडल स्थापित किया है उस मॉडल के आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। और आज जो नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है मॉडल, वो पूरे देश में चर्चा का विषय है। जिस योजना को उठा लीजिए, एक योजना नहीं, हम एक दर्जन योजनाओं का नाम ले सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा अखबारों में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बिहार के 90% गांव में आज नल जल की सुविधा उपलब्ध है। तो ये तो 2015 में हम लोगों ने शुरू किया, केंद्र की सरकार ने उसको 2019 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने उसको शामिल किया। बिजली के क्षेत्र में हम 15 में हर घर बिजली पहुंचाएंगे, ये काम शुरू किया। 2018 में हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो आपके विधायक अगर जीतेंगे तो किसको समर्थन देंगे? हमारे जब विधायक जीतेंगे और जब चुनाव का परिणाम आएगा उसमें देखा जाएगा क्या परिस्थिति होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईवी टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पाशाजी बंगाली, 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए लेकिन बाबा पाशाजी बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती, पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा पाशा जी बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा पाशा जी बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, मुठकर्णी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पाशा जी बंगाली। बाबा पाशा जी बंगाली, घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं, एक बार फोन घुमाएं। बाबा पाशा जी बंगाली।